हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। आज हम जिस वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आईडोर, जो कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की कैटेगरी में आती है। तो आईडोर का फुल फॉर्म है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो आज का एजेंडा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ आईडोर, नेक्स्ट रहेगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ आईडोर, थर्ड वन इम्पैक्ट ऑफ आईडोर, देन रेमिडिएशन ऑफ आईडोर, और फिर हम प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे आईडोर का। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इंट्रोडक्शन से। आईडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटीज आर अ कॉमन सिक्योरिटी फ्लॉ इन विच एप्लीकेशन अनइंटेंशनली एक्सपोज सेंसिटिव इंटरनल ऑब्जेक्ट्स सच एज फाइल्स, डाटाबेसेस एंड यूजर डिटेल्स। ये एक आईडोर एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि वेब एप्लीकेशन में इंटेंशनली जो अनइंटेंशनली एक्सपोज कर देती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। आईडोर की हेल्प से अटैकर आईडोर वल्नरेबिलिटी की हेल्प से अटैकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फेच कर सकता है। दिस वल्नरेबिलिटी कम्स अंडर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की एक कैटेगरी है। द ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ओवास हैज रैंक्ड आईडोर वल्नरेबिलिटीज अमंग द टॉप 10 मोस्ट क्रिटिकल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क। जैसे कि आपको पता है कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैटेगरी फर्स्ट में आती है, तो उसी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के अंदर ये एक पार्ट है आईडोर का। In a web application, whenever a user generates, sends or receives a request from a server, there are some HTTP parameters such as ID, UID, PID, etc. that have some unique values which the user has been assigned. An attacker can see such parameters value in cookies, header or Wi-Fi packets captures. Via this, an attacker might be able to temper these values and this tampering may lead to IDOR. जब भी हम वेब एप्लीकेशन में कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपनी वेब ब्राउजर से किसी भी वेब सर्वर को, तो उसमें सम पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आईडी हो गई, यूआईडी हो गई, पीआईडी हो गई, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और ये यूनिक वैल्यूज होती हैं। तो अटैकर क्या करता है, इन पैरामीटर्स को देखकर उनको टेम्पर्ड करता है, मतलब जो रिक्वेस्ट को कैप्चर करके उस रिक्वेस्ट में जैसे हमने आईडी 1 भेजी है तो उसे कैप्चर करेगा और उसको 2-3 करके उसका इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। ये हम एक एग्जांपल से मैं शो करता हूँ आपको, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, विक्टिम है इसमें। एक विक्टिम क्या है, एक यूज़र मान लीजिए, वो अपने एक बैंक अकाउंट में रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है अकाउंट नंबर 1234 के लिए, और जब वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो उसको जो डिटेल्स फैच हो रही है वो नेम हो रहा है उसका, अमाउंट उसके अकाउंट में कितना है, उसका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, IFFC कोड है। तो सेम तरीके से अगर किसी तरह विक्टिम जो अटैकर है वो ये रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता है और वो टेम्पर्ड करके रिक्वेस्ट को जो पहले यूज़र ने 1234 किया था अकाउंट नंबर के लिए, वो 4567 अकाउंट नंबर के लिए अगर सेंड करेगा, तो उस अकाउंट नंबर अगर वो होगा तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अटैकर के सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है। जैसे कि कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी वेब सर्वर पे किसी भी सेंसिटिव फाइल के लिए, प्राइवेट इन्फो के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए, अगर वो रिक्वेस्ट को एक्सेस ग्रांटेड हो जाता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन, तो उसको कहते हैं हम आईडोर वल्नरेबिलिटी।
उसका कोई ऑथराइजेशन नहीं हुआ कि वो रिक्वेस्ट किसने की, वो लेजिटिमेट है या नहीं है, उसको एक्सेस ग्रांटेड हो गया और इंफॉर्मेशन शो हो गई। इस तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है आईडोर की हेल्प से। अब हम देखेंगे कैसे आईडोर एग्जीक्यूशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉबशूट। बॉबशूट टूल इज वाइडली यूज्ड बाय अटैकर टू एग्जीक्यूट सच टाइप्स ऑफ अटैक। फॉलोइंग आर द स्टेप्स बीइंग फॉलोड। बॉबशूट एक टूल है जो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज होता है। हम इसकी हेल्प से ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉबशूट। तो सबसे पहले जो होता है कैप्चर द रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एन अटैकर विल डिसाइड अ टारगेट वेबसाइट टू विच ही वॉन्ट्स टू एग्जीक्यूट एन आईडोर अटैक। देन द वेबसाइट इज एडेड टू द स्कोप एंड स्पाइडर द वेबसाइट टू गेट ऑल द URLs विद स्पेसिफिक पैरामीटर्स इन इट। सबसे पहले क्या करता है अटैकर, एक टारगेट डिसाइड करता है। टारगेट डिसाइड मीन्स एक वेबसाइट को डिसाइड करता है जिस पे उसे आईडोर अटैक करना होता है। फिर वो उसको अपने स्कोप में एक पैरामीटर है, एक कॉलम होता है हमारे बॉबशूट में स्कोप का, जिसमें कि सारे टारगेट उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उसमें करता है फिर स्पाइडर सर्च करता है टू गेट ऑल द URLs स्पेसिफिक पैरामीटर्स इन इट। URL में जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उनको सर्च करता है। जब एक बार उसके पास ये सारे URLs आ जाते हैं तो सेकंड स्टेप में वो फिल्टर द पैरामीटर रिक्वेस्ट। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप वी विल फिल्टर आवर कैप्चर रिक्वेस्ट विद द पैरामीटर फिल्टर। जब रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाती है उसके बाद वो पैरामीटर्स को फिल्टर करता है। एंड अटैकर विल ओनली चूज दैट पैरामीटर और इंजेक्शन पॉइंट्स वेयर दे कैन एग्जीक्यूट द अटैक। वो वही पैरामीटर्स को चूज करता है जहाँ की वो एग्जीक्यूट कर सकता है आईडोर को। थर्ड स्टेप फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू रिपीटर। नाउ इफ एन अटैकर विल फाइंड सम ऑफ द इंजेक्शन पॉइंट्स वेयर दे कैन एग्जीक्यूट आईडोर, they will forward the request to the repeater. The vulnerable URL might look something like this: www.xyz.com/myaccount/uid-19. Here the UID seems to be vulnerable. ठीक है, जब वो request को filter कर लेता है उसके बाद attacker जो request intercept की होती है उसको repeater के पास भेजता है। repeater के पास, repeater वो होता है जहाँ वो रिपीटिवली पैरामीटर्स को चेंज करके उसके रिस्पॉन्स को चेक करता है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है www.xyz.com/myaccount/uid-19, ये URL है। तो इसमें जो UID कॉलम है वो ईजिली गेसेबल है, कोई भी इसको गैस कर सकता है। 19 कैसे वो टेम्पर्ड अब इसको करेगा तो 20 डाल सकता है, 21 डाल सकता है, 18 डाल सकता है, कोई भी UID डाल सकता है। अगर वो UID वैलिड हुई तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी उसको डिस्प्ले हो जाएगी। फोर्थ वन इज टैम्परिंग ऑफ पैरामीटर। नाउ एज द अटैकर हैज द वल्नरेबल इंजेक्शन पॉइंट दे विल नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट द आईडोर अटैक विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग और द पैटर्न एज रिटन इन इंजेक्शन पॉइंट। एग्जाम्पल एन अटैकर मे चेंज UID फ्रॉम 19 टू 20 विच विल ओपन अकाउंट ऑफ अनदर यूजर हु हैज बीन असाइंड आईडी 20। जैसे कि मैंने अभी बताया वो टेम्परिंग करेगा उस रिक्वेस्ट पे, 19 को 20 कर सकता है, 20 को 21 कर सकता है और उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी जिसकी UID 20 है या 21 है या 18 है, वो अमाउंट, वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी अटैकर को। ये यहाँ पर तक तो हमारा हो गया कि एक आईडोर क्या होता है। आईडोर वहीं, वल्नरेबिलिटी वहीं पाई जाती है जहाँ पर प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं होता है, जो रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो जाती है विदाउट एनी ऑथराइजेशन। और उसके बाद हमने एग्जीक्यूशंस देखे कि कौन कौन से स्टेप्स आईडोर वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए लिए जाते हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ आईडोर वल्नरेबिलिटी। क्या क्या इम्पैक्ट इससे हो सकते हैं।
एक्सपोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स डिस्क्लोज हो जा रही थी। तो व्हेन द अटैकर विल हैव कंट्रोल ओवर योर अकाउंट वाया दिस वल्नरेबिलिटी, इट इज ऑब्वियस दैट एन अटैकर विल बी एबल टू कंटिन्यू अक्रॉस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अटैकर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी फेच कर सकता है। ऑथेंटिकेशन बाईपास, एज द अटैकर कैन हैव एक्सेस टू मिलियंस ऑफ अकाउंट विद दिस वल्नरेबिलिटी, इट विल बी अ टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन बाईपास मैकेनिज्म। जैसे कि अटैकर एक्सेस करता है, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है इस वल्नरेबिलिटी से, तो इस तरीके से ये ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर रहा है, वो मैकेनिज्म भी हो सकता है। अल्टरनेशन ऑफ डाटा, एन अटैकर मे हैव प्रिविलेजेस टू एक्सेस योर डाटा एंड अल्टर इट, बाय दिस एन अटैकर मे हैव परमिशन टू मेक चेंजेस टू योर डाटा विच मे लीड टू मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि अटैकर आप सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू उसमें ऑल्ट्रेशन भी कर सकता है। अकाउंट टेक ओवर, वाइल एन अटैकर मे हैव मल्टीपल एक्सेस टू यूजर अकाउंट्स जस्ट बाय चेंजिंग द यूआईडी वैल्यूज, दिस विल लीड टू अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटीज। व्हेन वन वल्नरेबिलिटी लीड्स टू अनदर वल्नरेबिलिटीज, इट इज नोन एज चेंजिंग ऑफ बग्स। इसमें ये बताया गया है कि व्हेन एन अटैकर हैव मल्टीपल एक्सेस टू यूजर अकाउंट्स जस्ट बाय चेंजिंग यूआईडी वैल्यू, यूआईडी वैल्यू चेंज करके उसके पास मल्टीपल यूजर अकाउंट्स के एक्सेस होती है, तो ये एक अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी को लीड करता है। नेक्स्ट वन इज द रेमिडिएशन ऑफ आईडोर वल्नरेबिलिटीज, डेवलपर्स शुड अवॉइड एंड डिस्प्लेइंग प्राइवेट ऑब्जेक्ट रेफरेंस सच एज की और फाइल नेम। डेवलपर्स को ये अवॉइड करना चाहिए डिस्प्ले करने, प्राइवेट ऑब्जेक्ट रेफरेंस को डिस्प्ले होने से अवॉइड करना चाहिए। वैलिडेशन ऑफ पैरामीटर्स शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन प्रॉपर होना चाहिए पैरामीटर्स का, वेरिफिकेशन होना चाहिए रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट का। टोकन शुड बी जनरेटेड इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट बी मैप्ड टू द यूजर एंड शुड नॉट बी पब्लिक। तो ये चार जो थे इसके रेमिडिएशन थे। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। मैं अपनी वर्चुअल मशीन को लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि आज मैंने हैकर्स वन का एक पोस्टबुक नाम की एक वल्नरेबल वेबसाइट है उसका यूज करूंगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे कि एक पोस्टबुक नाम की वल्नरेबल वेबसाइट है जिसमें हमें बहुत सारे फील्ड्स दे रहे हैं, होम, राइट अ न्यू पोस्ट, माय प्रोफाइल, सेटिंग्स, साइन इन, साइन आउट। सबसे पहले मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ, आपको स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ। ये ओपन हुई मेरा वेब पेज। अब इसमें सबसे पहले मैं साइन अप कर लेता हूँ, एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। करो 1 2 टेस्ट 4 दे देता हूँ इसकी। हैकर नाम के दे देता हूँ टेस्ट, पासवर्ड फिर से डाल देता हूँ मैं, टेस्ट 1 2 3 4। सबमिट करता हूँ, डोंट सेव। ठीक है, सक्सेसफुली साइंड अप, प्लीज साइन इन। साइन इन में चले जाता हूँ मैं, हैकर टेस्ट 1 2 3 4 और सेव। ये मेरी ओपन हो गई, मैंने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। तो इसमें क्या देख रहा हूँ, देखो एक अंकुर के नाम से है, ये एडमिन ने बना रखा है अंकुर के नाम से, बाय
अंकुर ऑथर है एडमिन, यहाँ पर ऑथर है यूजर, यहाँ पर भी ऑथर है एडमिन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ पोस्ट। हेलो ऑल, क्रिएट कर देता हूँ पोस्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट क्रिएट की तो मेरे पास दो फील्ड्स आ गए, एडिट और डिलीट का। तो सबसे पहले मैं अगर एडिट में जाता हूँ, ओपन नए टैब में खोल लेता हूँ इसे मैं, ये खुल गया मेरा। देखिए आईडी जो है मेरी 7 है, ठीक है। अब मैं टाइटल डाल देता हूँ जो मैंने पहले नहीं डाला था, टाइटल डाल देता हूँ टाइटल डालने से पहले मैं इसकी जो 7 वाला मेरा था, मैं 6 वाला एक बार ओपन करता हूँ। किसी की भी नहीं है, 4th करता हूँ। फोर्थ वाला भी आईडी किसी को नहीं है, फर्स्ट वाले में देखते हैं एक बार। This is the first post, hello world, edited by Ankur. मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ edited by hacker. सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए मैंने जो लॉगिन किया था वो अपने हैकर अकाउंट से किया था, पर मैंने एडमिन ऑथर के अकाउंट से के पोस्ट को एडिट कर दिया। इस टाइप से ऑल्टर कर देता है इंफॉर्मेशन को आईडोर, जो वल्नरेबिलिटीज होती है आईडोर के थ्रू। मैंने हैकर्स एक एडमिन अकाउंट है उसके पोस्ट को एडिट कर दिया, जबकि मैं जो लॉगिन हूँ वो हैकर नाम के यूजर नेम से हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर एडिट में जाऊँगा। अभी ये पोस्ट आपको दिख रही है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एडमिन आईडी, इसकी आईडी जो है 1 है हैकर की। यहाँ जाऊँगा और इस पोस्ट को मैं प्राइवेट कर दूँगा, सेव करूँगा। अब हम देखेंगे कि मेरे को होम में जाके, अब मेरे को जो था ब्लॉग था वो पोस्ट थी वो नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। ये देखिए यहाँ से उसको हटा दिया मैंने, पहले पब्लिक था अब वो प्राइवेट कर दिया मैंने। इस तरीके से हम गेस्ट गेस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आईडोर कर रहे हैं। ये हमारे जो भी अभी तक मैंने एग्जांपल दिया था एक गेट पेस्ट आईडोर था। अब हम पोस्ट में करेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ गए, राइट अ पोस्ट, न्यू पोस्ट, हम लिखेंगे हेलो सिक्योरिटी, डाल देते हैं टाइटल दिस इज। अब इसके साथ साथ मैं बॉब को भी बॉब से इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे ही ये क्रिएट में करूँगा तो मेरे बॉब पे चली गई। यहाँ पे क्या आया है, जो मेरी यूजर आईडी है ये 4 है, ठीक है। मैं इसमें अपनी आईडी चेंज कर दूंगा और ये पोस्ट एडमिन के नाम से मैं पोस्ट कर दूंगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ किया मैंने। मैं यहाँ होम में जाऊंगा, स्टार्ट करा, ये देखिए
मैंने एडमिन के नाम से पोस्ट कर दिया, हेलो सिक्योरिटी, हाय दिस इज गौरव। जो मैंने ये जब एडिट किया था पोस्ट, जब मैंने न्यू पोस्ट लिखा था, वो मैंने हैकर के अकाउंट से लिखा था, पर जो मैंने जब उसको पोस्ट किया तो वो एडमिन के नाम से पोस्ट हुआ। तो इसको कहते हैं पोस्ट बेस्ड आईडोर। तो पहला जो हमने यूआरएल के थ्रू किया था वो था गेट बेस्ड आईडोर, दूसरा हमने करा पोस्ट बेस्ड आईडोर। इस तरीके से ये कैस बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है, जैसे कि मैंने बैंक का एग्जांपल आपको दिखाया था ये। और दूसरी जो है ये ऑल्ट्रेशन, जो मैंने बताया था अपने इम्पैक्ट में कि क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है, ये ऑल्ट्रेशन भी कर सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो ये जो एग्जाम्पल थे, आज के टॉपिक था आईडोर, इसकी हमने पहले थ्योरी देखी, उसके बाद उसके स्टेप्स देखे। स्टेप्स देखने के बाद हमने उसका एग्जीक्यूशंस देखे, स्टेप्स देखे। एग्जीक्यूशन के स्टेप के बाद मैंने इम्पैक्ट्स बताए आपको, उसके बाद हमने रेमिडिएशन देखा, और उसके बाद हमने एग्जांपल्स करे लैब में। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।